दोस्तों, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना करते थे कि इंसान के दुख सुख से उसके आसपास का माहौल भी प्रभावित होता है। महसूस पहली बार कर रहा हूं। देख रहा हूं कि मोदी सरकार की अग्निवीर योजना ने किस तरह से पूरे देश की फिजा को बदल कर रख दिया है। गांव की जो गलियां कल तक दौड़ लगाते लड़कों से गुलजार रहती थी, उन गलियों में अभी मरघट सा मातम पसरा हुआ है। जिन पथरीली राहों की ऊंचाइयों को लड़के अपने हौसले से नाप देते थे, वो रास्ते अपने बच्चों की राह ताक रहे हैं। नदी किनारे रेत पर जो बच्चे अपनी उम्मीदों का आशियाना बनाते थे, वो रेत अभी चीख चीख कर पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसके बच्चे उसकी गोद से दूर हो गए। केंद्र सरकार की आग लगाने वाली अग्निवीर योजना ने एक झटके में लाखों बच्चों के उम्मीदों के आशियाने को तहस कर दिया है, उनके सपनों के महल को चकनाचूर कर दिया है, उनकी जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब को खामोशी के समंदर में डुबो दिया है। जेठ की तपती धूप में, सावन की फुहारों में, माघ की कड़कड़ाती ठंड में वर्जिश करने वाले बच्चे उदास आंखों से पूछते हैं, अब दौड़ लगाएं तो किस लिए? अब अपने हाड़ मांस के शरीर को लोहा बनाएं तो किस लिए? सेना में जाकर देश सेवा का अरमान मोदी सरकार ने छीन लिया। समाज में मान सम्मान हासिल करने की जो एकलौती डगर थी, उस पर तो मोदी सरकार ने पहरा लगा दिया है। माँ भारती के मेहनतकश बच्चे हैं ये, ये किसी केंद्रीय मंत्री के बेटे नहीं हैं जो सोने चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये किसी उद्योगपति के बेटे नहीं हैं जो किसी बड़ी फैक्ट्री के गद्देदार कुर्सी इनका पलक पांवड़े बिछाए इंतजार कर रही है। इनके हाथ की रेखाओं में विदेशी डिग्री या एमपी एमएलए बनना नहीं लिखा है। इनके किस्मत में दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट संस्था का कर्ता धर्ता बनना भी नहीं लिखा है। ये खुद भी इन सब बड़ी बड़ी चीजों का ख्वाब नहीं देखते हैं। विश्वगुरु बनने का सपना भी नहीं है इनका। फकीरी के नाम पर अमीरी का अरमान भी नहीं पालते हैं ये सब। बड़े मामूली अरमान थे इन बच्चों के, देश सेवा, समाज सेवा, साथ में परिवार सेवा। लेकिन अब इनके सब ख्वाब चकनाचूर हैं। सेना में भर्ती का रास्ता बंद हो चुका है। 4 साल तक सेना में रहने का जो जुमला सामने है, उसके जवाब में आसपास के लोग पूछ रहे हैं कि 4 साल अग्निवीर रहने के बाद क्या करोगे? चौकीदारी किसकी करोगे? लड़के क्या जवाब दें? माँ बाप अपने बच्चों का दर्द समझ रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि हर अंधेरी रात की सुबह होती है, इस रात की भी सुबह होगी। कल होकर सुबह का सुहाना सूरज तुम्हारा स्वागत करेगा। लेकिन बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा है। एक के बाद एक नया जुमला, फर्जी वादे, जहरीले इरादे। लड़के अपने भविष्य को लेकर निराशा के गर्त में डूब चुके हैं। उन्हें अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। वो सड़क पर आकर सत्ता से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उन्हें किस खता की सजा दी जा रही है? कसूर किसी और का तो फिर सजा उसकी बजाय उन्हें क्यों? सत्ता खामोश है। उसे न तो इन बच्चों की कड़ी मेहनत से मतलब है, न अब इनकी उदासी से। वो तो उस बूढ़े माँ बाप के दर्द को भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो पथराई आंखों से अपने बच्चे के उदास चेहरों को देख रहे हैं। जिंदा इंसानों के दर्द से बेपरवाह सत्ता से गवई गांव की माटी और पहाड़ों के पिघलते कलेजे की बात करना भी बेमानी है। आपदा में अवसर तलाशने वाली ये क्रूर सरकार लाखों बच्चों के सुनहरे सपने को जमींदोज करके अब इस सोच विचार में डूबी है, उस पर अपनी सत्ता का सिंहासन कैसे स्थापित किया जाए। दोस्तों, देश की युवा पीढ़ी आक्रोश में आकर जो आगजनी कर रही है, पत्थरबाजी कर रही है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन दिल पर हाथ रखकर सोचिए, इसका असली कसूरवार कौन है? जवाब तलाशने में दिक्कत हो तो क्रांतिवीर कवि पौष की उन पंक्तियों को याद कर लीजिएगा जिसमें उन्होंने बताया है कि एक इंसान के लिए सबसे खतरनाक क्या होता है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प, न सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है
हमारे सपनों का मर जाना। यह सरकार सपनों की कातिल है, उन लाखों बच्चों के सपने की कातिल जिन्होंने खुली आंखों से सेना में जाकर जननी और जन्मभूमि की सेवा का ख्वाब देखा था। इन बच्चों के दर्द को महसूस कीजिए, इन बच्चों के दर्द में ही देश का दर्द छुपा हुआ है।